गणपति गणराज गज लंबोदरम और मुझे गजानन और गणपति रे और गणराज गज लंबोदरम और जे काम शोक निवारणम ये श्रोता सभी बैठे यहां अमृत समझ कर पीजिए क्योंकि कर जोड़ कर विनती यही और
सब मेरी नमस्ते लीजिए। आदरणीय जनता जनार्दन एवं यह की माननीय कमेटी, सबका आदेश सरोधार करते हुए मैं अपने नंबर की शुरुआत लाला खिच्चोमा लाते वाले, जिसके पूर्व उस्ताद श्री विजेंद्र शर्मा जी इस समय मेरे कंधों पर और मेरे सर पर एक कार्यभार डाला गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज जंगल में रात भर आपको इतना आनंद आए कि शायद पहले कभी किसी प्रोग्राम में ना आया हो। रही बात दोस्तों ये कमेटियां जो हुआ करती हैं, इलायची देती हैं, अभी इनके यहां अगर कहीं कोई बात हो जाए तो एक मिनट में दंगल कैंसिल हो जाता है, लेकिन हम रसिया वाले चाहे हमारे गोपाल भाई हो चाहे हम हो, हमारा एक जुबान का सौदा होता है, अगर एक बार जुबान कर दी तो हर हालत में वहां रसिया गाने जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज उस परिस्थिति में दंगल गा रहा हूं, मेरी मां का देहांत हो गया कल, और उनका देहांत होने के बाद एक बात मेरी फंसी हुई थी, इसने कह दिया कि दंगल होगा तो होगा, तो मैंने भी कह दिया कि अगर मेरी सांस में सांस होगी तो रसिया गाने जरूर आऊंगा चाहे कुछ भी हो। अब रही बात रसियाबाजी की, तो मेरे भाई, अब पता नहीं इसे भाई कहूं कि भाभी कहूं, खैर कोई बात नहीं, अगर भाई कहूंगा दिन भर भाई कह, अरे दिन भर भाई कह दो रातू तो भाभी कह ही ले, सुनो पहले मेरी बात सुनो, अगर भाई कहूंगा तो बड़ा भाई पिता के समान होता है, और अगर भाभी कहूंगा तो भाभी मां के समान होती है, तो क्यों ना मां का दर्जा ज्यादा बड़ा होता है पिता से ज्यादा, तो तुमसे रात भर गोपाल भाभी ही कहूंगा मैं, चिंता मत करो। और भैया एक जे भाई साहब जो बैठे गए सामने, बस रात भर तुम तो हारोंगे और का उतना हारोंगे, कल तो सभी रात का इंडिया गेट खुल गया, एक छंद गाया, एक छंद गाया, छंद में जब रुक्मिण को लेकर के भाग गए गोपाल जी, तो वो तो भाग गए, वो सेनापति एक देख रहो मां ठाड़ो ठाड़ो, वो सेनापति भाग के आयो और वह रुक्म ते कह रहो कि तेरी बहन भाजगी कुआरी है, दे देगा अगर कोई कह दे राजा से कि तेरी बहन भाग गई तो बाकी नार काट के मई फेंक देगो जिंदो तेरी, चलो कोई बात नहीं, उसने कह भी दिया तो इधर से जवाब मैं दूंगा, और सही बता रहा हूं अशोक भैया, दोबारा छंद लड़ेगा नहीं उधर से, जो गारंटी है मेरी दोबारा नहीं लड़ेगा। एक रसिया गा करके गए और उस रसिया में कह रहे थे के इन पांचों ने मोकू घेर ली और मेरे कौन बढ़ावे चीर, इसका भी जवाब दूंगा। और एक जो कहकर के गए थे इधर के स्वयंभू को शंभू नाम कैसे पड़ा, शंकर जी का नाम शंभू कैसे पड़ा, इसका तो ऐसा जवाब दूंगा कि जिंदगी में किसी के भी सामने गाना, लेकिन मेरे सामने आज के बाद में गाओगे नहीं। तो अब एक बात कह रहे थे कि बार बार कह रहे थे, मुझे टोक रहे थे कि सम्राट हो सम्राट हो, तो चाहे मैं सम्राट का बेटा सही चाहे कोई भी सही, लेकिन तुम्हारे सामने रसिया गाने आया हूं, प्रधानमंत्री के भी बेटे की कोई औकात नहीं होती, तो मैं तो जनता के चरणों की धूल हूं, ना मैं कोई सम्राट हूं और ना कुछ भी, केवल आपका प्यार चाहिए। और रही बात कुश्ती आर पार की गोपाल भाई, तो दंगल आज यहाँ पे चाहे सुबह 11 बजे तक हो, अगर आर पार की कुश्ती करके ना जाऊं तो अपने बाप की औलाद नहीं किसी और से। हमारे मनोज शर्मा जी ने कहा, यहां से हमारा और गोपाल भाई मुरसान वालों का
कंपटीशन शुरू हो रहा है, शांति बना रखे, इनके सारे जवाब लेकर के हाथरस वाले आ रहे हैं। चार लाइन अपने गुरु के लिए लगाऊंगा, वो मेरे पिताजी जिन्होंने मुझको जन्म दे करके धरती पे पैदा किया, मेरे गुरु विजेंद्र शर्मा जी के पिता प्रथम गुरुदेव हो और मेरा पिता प्रथम और गुरुदेव शर्म नहीं आई? इतना बड़ा काम करके वो चला गया और तू यहां खड़ा खड़ा बात बना रहा है? अब ये रुक्कम कह रहा है उस मंत्री से जिसने आकर के खबर दी, और यही बात सत्य है, इसके अलावा दूसरी बात सत्य नहीं है। क्या बड़ बड़ के बातें करे, बड़ी बड़ी के तू बातें करे, कोई गाता है, लेकिन इस रुक्कम को विलेन बना दिया है, और जब विलेन बना दिया है तो बेटा विलेन का जवाब तो रात भर गाली देगा, सुबह चाहे तू जान से मार देना अमरीश पुरी को, देखा है कि नहीं? पूरी पिक्चर में एंड तक हीरो को मारता है, चाहे एंड में मरी तो जाता है, लेकिन ये विलेन बन के गाना बड़ा कर्रा काम है। हीरो का पक्ष तो तुमने ले लिया भाभी जी, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे मास्टर साहब की तरफ से आता है आशीर्वाद की कामना। क्या एक छोटी सी बात पाप तो और देखे एक छोटी सी बात पाप तो और एक छोटी सी और बात पाप तो मंत्री तू एक छोटी सी बात पे इतना उल्ला है, और देखो मेरा शब्द सुनना, जे तो कह रहे थे कि बहन भाग गई, इतना बदतमीजी का शब्द नहीं बोलूंगा, और बोलूंगा तो बिल्कुल हकीकत बोलूंगा। हाँ बेटे, और एक छोटी सी और बात पे अब तो, अरे तू चोर छाती छोड़ा है, और एक छोटी सी बात पे अब तो चोर छाती बार ने मैं समझ ली के देख बार मेरे और वो काट न पावे चुके तो बापन को लोड़ा
और भाभी कहेंगी कि भैया इसमें नमी कहां गई और जमी तुम्हारी कहां गई। ये चोरपने की शायरी होती है जिसमें भर्ती के ऊपर के काफिया ना हो और जबरदस्ती अगर मैं अनर्थ उसमें काफिया लगाऊं तो वो शायर की गलती हुआ करती है। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा अपनी तरफ से। दोबारा सुनिए मेरा जवाब के मेरा माल खाए के तू बेहा मेरे माल और खाए के तू बेहा मेरे माल और खाए के बेहा। अरे तू चो पकड़े नादानी में और सुन अरे जाते तो कहूं डूब के मर जा कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया
अरे तुम्हारे यहाँ तो भैंसियों मौजूद है, बिनोरे मौजूद है, घी मौजूद है, दूध मौजूद है, मगर अगर सबसे ज्यादा नुकसान लॉकडाउन में किसी का हुआ तो इस गरीब जनता का हुआ है। एक एक दाने दाने के लिए तरस गई, तुम तो पैसे वाले आदमी हो, तुम पे तो भैंस भी मौजूद है, बिचारो रिक्शा वारो अपनो रिक्शा ठाड़ो करके खड़ो है, वो दाने दाने के लाले पड़ गए। जनता से पूछो मेरी जान,
अगर मेरी बात गलत है तो सुबह तक एक काम करना, क्या अगर गलत है तो महादेव पे, अरे अलग, अगर गलत है तो महादेव के माँ बाप का नाम बताना, बाप का नाम बताना। अगर मेरी बात को गलत के स्वयं पैदा नहीं हुए तो महादेव के माँ और बाप का नाम आप बताना हमरे। अगर गलत है तो महादेव के, बंसी वाले हो आगरा वाले हो, अगर गलत है तो महादेव के माँ बाप का नाम बताना, बाप का नाम बताना। रसियों में नहीं आती है, और ये हमारी बहन जी जो पुरस्कार दिया है ये लड्डुओं से भरा हुआ टिफिन आगरा से आई है, और ये आगरा से जहां भी रसिया होते हैं वहां रसिया देखने के लिए जाती है। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। उत्तर दिया सभा में तेरा संतो बीच मरा है ना समूह स्वयं भूला की जाए और कऊ कोने में पाए वहां से चला गया।
तो अब आगे मालूम पड़ेगी कि तुम बात किससे करेगा जैसे सेनापति। अरे चले दो हाथ में शस्त्र संहारे, चले दो हाथ में शस्त्र संहारे, चले दो हाथ में शस्त्र संहारे, ना पाना टुकड़ा गाया था वो पर्दे पर्दे ये शब्द ऐसे हुआ करते हैं कि तुम एक शब्द को चार चार दफे गा करके बोलते रहो लेकिन पब्लिक के पल्ले पड़ता नहीं है। मैं भी इधर से रात भर पर्दे पर्दे करता रहूं, आप भी पर्दे पर्दे करता रहे, आपने गा दिया, अब इधर से दोस्त में पब्लिक बोर हो जाएगी, इसलिए मेरी माताएं बहने बैठी हुई है तो इनको देखते ही मां साहब एक मल्हार बजाए। अब तक ना आयो जी मेरो बेटा, नहीं समझ रहे ये घड़ी चल रही है देख। इधर खड़ी हुई है सती जो कि शंकर जी महादेव बाबा की पहली पत्नी थी, और इधर खड़े हुए भोलेनाथ। अब ये सती उधर से भोलेनाथ से कहेंगी और मजा लेंगे आप लोग। हाँ बेटा, हे महाराज सुनने हो? हाँ सुना। मेरे भोला कह दे तो पीहर जाओ, जारी पीहर जावे की बात कर रही है जी, आलम ने को खो देगो ना। पीहर जाऊ सुनियो, मेरे भोला कह दे तो मैं पीहर जाऊं, अम्मा ते मैं मिल आऊं। भोलेनाथ ये सतीरी जो कह रही है आलू ने को खो देगो, तो जी जो कह रही है आलू ने मुड़सान बहन पे खोदवा लियो वो डोले आते हो। मेरे भोला कह दे तो पीहर जाऊं, अम्मा ते मैं मिल आऊं, यक रचो है मेरे बाप रे। भोलेनाथ से कह दे तो पीहर जाऊं और अम्मा ते मैं मिल आऊं, यज्ञ रचायो मेरे बाप ने। अब ये भोलेनाथ क्या कह रहे, मेरी भोली सुनिए दोस्तों, आज थोड़ा मजबूर हूं मैं क्योंकि पूरे दिन सोया नहीं, नाते रिश्तेदारों ने आने वालों ने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ करके आया, तो मेरे गले पे गौर ना करें, मेरे शब्दों पे गौर करें। मेरी भोली मेरे भोला भोला चिल्ला रही, मेरी भोला मेरी पिया कह दे तो पीहर जाऊं,
पी है बचा मेरी भोली कैसे तो तू समझाऊ पी हर तो नाए पठाऊ कैसे तो तू समझाऊ पी हर तो नाए पठाऊ सो अरे नो तो नाए भेजो जाते वहीं से एक शब्द एक प्रश्न मैं इनसे पूछ रहा हूं हमें अरे कह रहे खिंचो आटे वाले और बोल रहे गंज को बनिया है और चाचा अरे भोले बाबा की शादी में बेटा को लायो पर बनिया है सम्मान जरूर करूंगा लेकिन एक प्रश्न रख के जाऊंगा लेकिन उससे पहले दो मिनट में इनके रसिया का जवाब कह रही थी उधर से द्रौपदी शरम ना है इनकी आखन में और ठाड़ो ठाड़ो जी बेहा खेच रहे हो मेरो चीर अब वो पांचों तो कुछ बोले नहीं है पांचों चुपचाप बैठे रहे हैं बिल्कुल क्योंकि वो धर्म के आगे बंधे हुए थे जब पांचों चुपचाप बैठे हुए तो इधर से क्या कह रहे हैं ये कन्हैया जी अरे कह रहे हो मैं तो से लाखन में मुरली वाले ने धरी है बाकी
होता था रसिया ठट्टा, लेकिन हम ना कोई सम्राट हैं, ना कोई और आते हैं, हम तो केवल आपके चरणों की धूल है, आपका प्यार और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। बन गई है असुवन की धार, बनी है देखे असुवन की धार, अरे तभी वहां आए गए कैसे अरे देख चक्करधारी ने वहां और चक्कर दयो है चलाए, अरे चक्करधारी ने वहां और कोई दिनों चक्कर चला, चक्र में और चक्कर में जमीन आसमान का अंतर है, अरे चक्कर धारी ने वहां ऐसा चक्कर दयो चला है, और नगन बहन ना हो न दही बाको दियो है चीने अरे नगन बहन लाए हो न दई बाको दियो है चीरो बढ़ाए, और रोटी कड़ी कड़ी देख देह और देख ये रोटी कड़ी कड़ी वह बहना बाकी नहीं धरो चनानो, और मेरे रसिया पे रसिया लिखो नहीं धरो चनानो, तो खिंचो लाला जब मेरा नंबर है, इनकी हर बात का मैंने जवाब देने की कोशिश की है, जवाब तो कोई रसिया वाला किसी का नहीं दे सकता, मेरा ये नहीं दे सकते, इनका मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है और इसका फैसला जनता करती है। एक गीत में गाने जा रहा हूं, एक एक शब्द गौर से सुने, और भैया एक हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर दूं आपसे कि अगर पहला नंबर है, अगर एक आध दो मिनट मेरी ज्यादा हो जाए तो मेरे भैया को दे देना, क्योंकि माहौल बनाना बड़ा कर्रा काम होता है, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, आपके बच्चे हैं, अगर एक आध दो मिनट ज्यादा हो जाए तो मेरे भैया को दे देना, मासा बजाए।
कबीर पेंटर साहब, जन्म से लेके मरण तक लकड़ी और देख तमाशा लकड़ी का, अजी दुनिया वालों तुम्हें दिखाएं क्या है करिश्मा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें दिखाएं क्या है करिश्मा लकड़ी का। इससे बढ़िया मंच मुझे इस चीज को गाने के लिए कोई मिलेगी नहीं। जनता बेशक कम है, लेकिन मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा जनता कितनी है ये कभी मत देखना, जनता कैसी है ये देखना। और आज मुझे दिख रहा है कि यहां सुनने वाले लोग हैं, और जहां सुनने वाले लोग होते हैं वहां गाने में मजा कुछ और ही आता है। खूब सोचना खूब समझना, खूब सोचना खूब समझना, खूब सोचना खूब समझना, श्रीमान चाहे श्रीमती, खूब सोचना खूब समझना, अरे सब श्रीमान या श्रीमती, क्या सच कहना भारत की नारी, सच कहना भारत की नारी, किसको अपना कहे पति, सच कहना भारत की नारी। बात पे गौर करेंगे सुबह तक, सच कहना भारत की नारी। मैं किसी सती की बात नहीं कर रहा हूं, सतवंती की बात नहीं, भारत की नारी किसको अपना कहे पति। एक लड़की थी मां की सेवक, और एक लड़की थी मां की सेवक, एक लड़की थी मां की सेवक, रोज बाग में जाती थी, एक लड़की थी माँ की सेवक, रोज बाग में जाती थी। बेटा अरे बागों से चुन चुन कर कलियां रोज संग में लाती थी, उन कलियों का हार बनाकर मैया को पहनाती थी, और रोज सवेरे शाम भवन में माँ की जोत जगाती थी। अब दो लाइन श्रृंगार रस की डाली, कद की छोटी कमर पे चोटी उसके नागन सी लहराती थी, लेकिन जिस दम पहने सूट बसंती बाहर भी शर्माती थी, जिस दम पहने सूट बसंती तो बाहर भी शर्माती, क्या तारीफ। अरे क्या तारीफ करूं लड़की की, क्या तारीफ करूं मैं लड़की की, कितनी थी वो रूपवती, और सच कहना वो भारत की नारी किसको अपना कहे पति। अब जहां लड़की होगी वहां लड़का भी जरूर होगा चाचा। अरे एक लड़का भी था माँ का सेवक, और जो बगिया के अंदर धाया, फूल तोड़ती लड़की देखी मन ही मन में हर्षाया, पीछे पीछे उस लड़की के मंदिर के अंदर आया, हाथ जोड़ कर माँ के आगे शीश झुका कर फरमाया। कोई तो धन मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई दुकान मांगता है, कोई मकान मांगता है, लेकिन वो लड़का क्या मांग रहा है पीछे खड़े खड़े, हे भैया आरी, हे भैया आशीष तू दे दे, मैं अरे मैं अपना प्रण निभा दूंगा, क्या अरे इस लड़की से शादी हो जाए काट के शीश चढ़ा दूंगा, इस लड़की से शादी हो जाए काट के शीश चढ़ा दूंगा। तो मेरी माताएं बहनों,
खड़ी खड़ी इन सब बातों को, खड़ी खड़ी इन सब बातों को सुन रही थी वो सहजादी, और मेरी माँ ने आशीर्वाद दे दिया तो हो गई दोनों की शादी। माँ ने आशीर्वाद, घर पे जाकर रहने लग गए शौक से दोनों सुता सती। सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति। अब दोस्तों दोनों की शादी हो गई तो एक साल के बाद में जब, एक साल के बाद में जब नौमी का मेला आया है और वो पत्नी बोली अपने पति से माँ ने हमें बुलाया है, बोली के चलो अरे दर्शन करने चल दिए दोनों, मन में विचार आया है तब। अरे राह चलत बाय चलते चलते एक दोस्त गैल में पाया है, एक दोस्त मिल गया। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम दोनों बाबाई के खेरेवाड़ी भैया के दर्शन करने जा रहे हैं भैया, तो हम भी चलेंगे। अब ये दोस्त मिल गया। चलते चलते उस मंदिर पे, और ये कौन? जब एक यार गेल में पाया है तो उसने क्या किया पति ने, ज्यादा फालतू बात नहीं, यार गेल में पाया है तो उस पति ने पत्नी और यार को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाया है, बोले तुम दोनों यहीं बैठो और पहले दर्शन करने ले जाऊंगा। अरे वो पति गया मंदिर के अंदर, याद को पायदा आया है तब चचा लेकर के तलवार मात की, उसने अपना शीश उड़ाया है। बहुत देर जब पति को हो गई, अरे वो लौट न वापस आया है, वो यार गया मंदिर के अंदर, उसने मरा यार को पाया है। कहने लगा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो भाभी यो कहेगी कि तू नहीं मारा है इसे, दोष लगेगा मेरे माथे पे, मन में विचार आया है लेकर के तलवार मात की, यार ने शीश उड़ाया है। लेकर के तलवार मात की, यार ने शीश उड़ाया है। दोनों यार मरे मंदिर में, उन दोनों की हुई गति। सच के ना भारत की नारी इसको अपना है पति। अब दोस्तों दोनों मरे पड़े, बहुत देर जब दोनों को हो गई तो वो पत्नी मंदिर में धाई है और उन दोनों की लाश देखकर मन ही मन घबराई है। हे माँ अब मैं कैसे रहूंगी, मेरे पति देव बराबर है और ये मेरे देवर भी। हे माँ जब उसने देखा कि दोनों मर गए, कहने लगी कैसे रहूंगी पति बिन जिंदा, उसी समय माँ की मूरत से आवाज ऐसी आई है। क्या आवाज आई?
क्यों रोती है ए मेरी बेटी, क्यों रोती है ए मेरी बेटी, तेरे गम के बादल छट जाएंगे कब। अरे इन दोनों के शीश जोड़ दे फिर से जिंदा हो जाएंगे, और इन दोनों के शीश जोड़ दे फिर से जिंदा हो जाएंगे। जब इतना सुना तो खुशी के मारे उस लड़की ने, खुशी के मारे उस लड़की ने काम छनक में ये हाल किया क्या। अरे यार के धड़ पे पति के सर को, यार के धड़ पे पति के सर को, पति के धड़ पे यार के सर को जल्दी में उसने लगा दिया। यार के धड़ पे पति के सर को, पति के सर पे यार के धड़ को जल्दी में उसने लगा दिया। दोनों यार हो गए जिंदा, माने करिश्मा दिखा दिया, विजेंद्र शर्मा ने लिख करके माँ का भजन ये सुना दिया। विजेंद्र शर्मा ने लिख करके माँ का भजन ये सुना दिया। खूब सोचना खूब समझना श्रीमान चाहे श्रीमती, लेकिन सच कहना ये भारत की नारी, इन दोनों में से यार के धड़ पे पति का सर और पति के धड़ पे यार का सर, सच कहना भारत की नारी किसको अपना कहे पति।